अभी YouTube का बहुत सारा नया नया अपडेट आया, मैं लास्ट चेक किया। कोलकाता से यहाँ पे रिटर्न आके ऑलमोस्ट हो चुका है 2 महीना, लेकिन ये 2 महीना में मैंने व्लॉग बहुत ही कम किया, बहुत ही कम डाला। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैं देख रहा हूँ कि वो सेम वाइब्स मेरे को नहीं मिल रहा है। मतलब मैं व्लॉग बना रहा हूँ लेकिन वो वाइब्स तैयार नहीं हो रहा है। मतलब वो फ्लेवर नहीं बन रहा है कि जो अच्छा व्यूज़ आए, अच्छा लाइक आए, अच्छा कमेंट आए, वो नहीं बन रहा है। एक्चुअली मैंने जब कोलकाता में ट्रैवल व्लॉग बनाया उसमें बड़ा यूट्यूबर का कॉमेंट आया, फिर लोग देखा, इन्जॉय किया, सभी ने बोला कि व्लॉग पहले से बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब मेरे को पता चल गया मेरा ऑडियंस क्या चाहता है, उन लोगों को ट्रैवल व्लॉग चाहिए। अभी मैं देखो ट्रैवल व्लॉग तो बना लूँगा लेकिन हर दिन तो मैं घूम नहीं सकता क्योंकि मेरा काम ही मेरे को करना होगा। सो हर दिन घूमने का जगह अंडमान में नहीं है, जितना मेरा का घूमने का स्पॉट था वो मैंने घूम लिया। अभी थोड़ा बहुत डेली व्लॉग में भी, मतलब ये घर के इन हाउस जो व्लॉग बनाता हूँ उसको भी मैं थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा अभी धीरे धीरे करके, ताकि इसमें भी आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पॉम बाइसेप्स। देखो जब मैं घूमने के लिए जाता हूँ उसमें मेरे को कंटेंट इजीली मिल जाता है, क्योंकि नया नया जगह जा रहा हूँ, नया नया कुछ चीज़ें हो रहा है, नया नया लोगों से मिल रहा हूँ, नया नया खाना खा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। लेकिन जब इन हाउस व्लॉग बनाता हूँ इसमें भी कंटेंट ऑटोमेटिक जनरेट होता है, लेकिन इसको स्पाइसी करके, इसको मिक्सचर डाल के, इसको थोड़ा सा मतलब और फ्लेवर डाल के जब मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा ना ये इन हाउस व्लॉग को, तभी ये और भी अच्छा लगेगा। सो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके इन हाउस व्लॉग को भी जैसे मैं ट्रैवल व्लॉग बनाता हूँ सेम है, इन हाउस व्लॉग को भी वैसे सेम बनाऊँ। एक्चुअली क्या है, आज का दिन में सभी थोड़ा सा नेगेटिविटी के अंदर से गुजर रहा है, सभी का लाइफ में थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी है, लेकिन कहीं से अगर लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिल रहा है, किसी का ब्लॉग से बोलो, किसी का बातचीत से बोलो, एटलीस्ट थोड़ा सा एंटरटेन मिल रहा है ना, तो उसका ही चैनल पूरा अपग्रेड हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब आप थोड़ा सा एंटरटेन कर पाओ तो बस काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए। अभी YouTube का बहुत सारा नया नया अपडेट आया, मैं लास्ट चेक किया कि आप अपना YouTube हैंडल को भी अलग से आप सेट कर सकते हो, अपना YouTube स्टूडियो में जाके वहाँ से सेट करके अपना खुद का हैंडल आईडी आप बना सकते हो YouTube का। ये चीज़ बहुत ही अच्छा किया, और YouTube का तो नॉर्मल जो मतलब थीम था वो थीम तो पूरा चेंज कर दिया, पूरा अलग तरीके का हो गया। मतलब देखने में और भी सुंदर लग रहा है YouTube। अंडमान में अगर रहना है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा वो है पावर कट। यहाँ पे इतना पावर कट होता है कि आइडिया के बाहर है भाई। अभी देखो, अभी बाहर से आया प्यू को छोड़ के, पावर कट। अभी ये कब तक आएगा पता नहीं, एक बार आया 10 मिनट रहेगा फिर से चला जाएगा, फिर आएगा फिर 10 मिनट रहेगा फिर चला जाएगा, ऐसा ही होता रहता है। अभी एक चीज़ छोड़ो, एक चीज़ बहुत ही अच्छा है अभी कि रात को नहीं जाता, नहीं तो मिडिल में शुरू हुआ था भाई, रात को 2 बजे से लेके 4 बजे तक पूरा पावर कट, मतलब पूरा नींद खराब कर देता है पूरा। लेकिन अभी फ़िलहाल छोड़ो, सुबह में जाता है तो एटलीस्ट सुबह काम करने का टाइम होता है, ये टाइम में भी अगर बिजली चला जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली 1 घंटा बीतने के बाद फिर पावर कट ठीक हुआ, अभी करंट आ गया है। सो मेरे को अभी टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ेगा। टिफ़िन मतलब सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा था कि मैं फास्टिंग करता हूँ, अभी मैं वैसा फास्टिंग मानता हूँ, फास्टिंग कर भी रहा हूँ। सो अभी फास्टिंग टूटने वाला है, मतलब तोड़ दिया ऑलरेडी, पानी पी के, बहुत सारा पानी पीना होता है फास्टिंग तोड़ने के बाद, वैसे सीट के साथ पानी वो मैंने पी लिया, फास्टिंग तोड़ दिया। अभी मैं आराम से दबा के मैगी खाने वाला हूँ। सो फास्टिंग जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली मैं करता हूँ 16 घंटे का, 16 घंटे का करने के बाद बेसिल सीड डाल के पानी पीता हूँ, पेट भर जाता है, उसके बाद जो कुछ भी मन में आए आप दबा के खा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसमें क्या होता है, आपका जो फैट रहता है, ये जो टमी फैट रहता है ये पूरा गल जाएगा, पूरा का पूरा गल जाएगा, 0 फैट हो जाएगा। अगर ये कंटिन्यू आप मेंटेन कर पाओगे 6 से 7 महीना पूरा 0 फैट हो जाएगा, पूरा गल जाएगा। मैंने हैप्पी टमी मैगी बना लिया, अभी ये मैगी खाने वाला हूँ, खा के आराम से बैठ के KGF मूवी एंजॉय करने वाला हूँ। सो जैसा कि मैं बता रहा था कि डेली व्लॉग या तो हाउस व्लॉग जैसे मैं बनाता हूँ उसमें मसाला नहीं मिलता, या तो मसाला मिलता है थोड़ा सा स्पाइसी नहीं बनता वो,
मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाता है। सो आज एक टॉपिक मेरे को मिल गया, बहुत ही अच्छा टॉपिक जो बहुत दिन के बाद मेरे को मिला है, वो है कि आज मेरे को ये वाला फ्रिज मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। अभी पीयू मेरे को याद दिलाया, भाई तुम्हारा फ्रिज, हम लोगों का घर का फ्रिज क्लीन करना है। वो बार बार मेरे को मैसेज कर रहा है। मैं बोला ठीक है, अभी उसको लाने जाता हूँ क्योंकि टिफ़िन करने का टाइम हो गया, उसका भी टाइम हो गया है टिफ़िन के लिए। सो अभी उसको लाने जाता हूँ, जैसे ही टिफ़िन करके उसको छोड़ के घर आऊँगा फिर इसको क्लीन करूँगा और मेरा ब्लॉग का एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। सो लास्ट 2-3 दिन से मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था, जो कि जब मैं ये वाला चीज़ खरीदा ये डिस्पेंसरी को, तो तब से लेके आज मतलब 2-3 दिन तक, लास्ट 2-3 दिन तक ये सही था। अभी जैसे इसको धोने के लिए गया, इसका जो पुराना वाला नल, ये वाला नल, ये पूरा ख़राब हो गया। इससे पानी टप 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 करके गिर रहा था। सो अभी रास्ते में आ रहा था, याद आया नया वाला एक खरीद लिया और इसको अभी इसमें सेटिंग कर देना है, क्योंकि क्या है कि जितना भी पानी वेस्ट हो रहा है, मैं लास्ट में एक दिन देखा, मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि फ्रिज से पानी गिर रहा है। फिर फ्रिज को चेक किया, एक्चुअली फ्रिज से पानी नहीं गिर रहा था, गिर रहा था इससे, इसमें से पानी टप 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 करके वो नल से गिर रहा था। फिर बाद में चेक किया कि ये नल का ही प्रॉब्लम है। सो अभी नया नल ला के ला दिया है, यहाँ पे खरीद के लेके आया ये वाला, अभी इसको इसमें फिटिंग। किचन का हालत फिलहाल के लिए कुछ ऐसा है, मैंने फ्रिज से जितना भी सामान था सब कुछ बाहर निकाल दिया और फ्रिज के अंदर बेकिंग सोडा डाल के रख दिया उसको 20 मिनट के लिए, क्योंकि मैं पीयू को छोड़ने के लिए गया था, तो ऐसे ही रख दिया। अभी इसका जो बारी है धोने का है, अभी इसको मैं अच्छे से इसको धोने वाला हूँ। इसको ऑलरेडी मैं सर्फ लगा के रख के गया था, मतलब भीम बार से इसको पोंछ के गया था, अभी सिर्फ पानी डालना है, ये वॉश हो जाएगा, फिर इसके बाद ये, फिर आखिर में इसको मैं वॉश करूंगा। मैं अभी इसको वॉश कर लेता हूं, क्योंकि इसका जो ट्राईपॉड है मेरा कैमरा का, वो ट्राईपॉड फिलहाल बहुत ही खराब हालत में है। सो इसको कहीं पे स्टैंड करने का मेरे को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं मेरा एंड से कोशिश करता हूं। पहले इस दोनों को मैं धो लेता हूं अपना एंड से, फिर इसको जैसे ही मैं धोना शुरू करूंगा मैं आप लोगों को भी वीडियो बना के दे। सो अभी बारी जो है फ्रिज को साफ करने का। सो मैं इसलिए विम बार ले लिया, थोड़ा सा इससे पहले सोडा डाल दिया था, अभी सिर्फ इसको ऐसे पूरा घिस लेना है ताकि जो मैल इसके अंदर है ना, वो मैल पूरा निकल जाए। इतना मैल है इसके अंदर, फिर बाप कितना दिन का मैल है पता नहीं, लेकिन फुल मैल है जमा। पूरा क्लीन किया पूरा, ये सब में ऑलरेडी साबुन मैंने लगा दिया है, ऐसा नहीं नहीं लगाया, लेकिन अभी फिर से और एक बार घिस के फिर ऐसे अभी छोड़ देंगे हम लोग इसको कम से कम 20 मिनट के लिए। सो गाइज, हो गया एक प्रॉब्लम, मेरा फ्रिज हो गया है क्लीन, मतलब मेरा क्लीन करना हो गया है कम्प्लीट, लेकिन अभी करेंट चला गया करके मैं वीडियो नहीं निकाल पाया। बाकी अभी सूखा छोड़ दिया, इसमें मोछा भी मान लिया मैंने एक बार, और इसको ऐसे सूखा छोड़ दिया। अब ये थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद ही इसके अंदर सब्जी वगैरह सब कुछ डालूंगा। ये सूख जाएगा, मैं सोच रहा हूँ सूखने के बाद और एक बार इसमें एक बार नैपिंग कर लूँ, मतलब और एक बार कपड़ा इसमें मार लूँ, नैपिंग बोल रहा हूँ, कपड़ा मार लूँ, उसके बाद इसको मतलब सब चीज़ डालने के लिए रेडी हो जाए। तो फाइनली करंट आ गया और मैं भी यहाँ पे आराम से इसको सब कुछ सेट करके रख दिया। जैसे ही करंट आया सब कुछ मैंने यहाँ पे बिठा दिया। अभी फ्रिज भी चल रहा है, आप लोगों को लगता है हल्का सा साउंड एक आ रहा है कि फ्रिज चलने का। सो फ्रिज चल रहा है, तगड़ा ठंडा भी हो रहा है, ठंडे का हवा भी आ रहा है। सो इसको अभी फ़िलहाल मैं ऐसे करके जैसे पहले लॉक करके रखता था वैसे ही मैं सेम इसको लॉक कर देता हूँ, लॉक करके इसको छोड़ देता हूँ, ये ठंडा होता रहेगा। हम लोगों का फ्रिज क्लीन कंप्लीट हो गया, मेरा यूट्यूब का एक अच्छा खासा कंटेंट निकल गया। सो अभी बैठ के फिर से जो रेस्ट ऑफ केजीएफ में देख रहा था वो वाला अभी देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सही बात बोलने से भाई, ये व्लॉग बनाना जितना इजी मेरे को लगता है, उससे बहुत ही टफ मेरे को लगता है कि एक रील्स बनाना। मैं कितना देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक लिपसिंग मैच हो जाए, एक रील्स डाल दूं, मैं अभी तक ट्राई नहीं किया। 2-3 रील्स ट्राई किया था, वो भी कैसा अपडेट देने के लिए, तो मतलब नहीं हो रहा है। मैं बहुत बार ट्राई किया, मैं मतलब रील्स एक डाल दूं लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है। बहुत बार मैंने ट्राई किया कि एक तो कोई गाना, मतलब मैं नॉर्मली गा रहा हूँ वो आ रहा है, लेकिन जब मैं उसके साथ मेरे को लिप्स मैच करना होगा वो मैच नहीं हो रहा है, या तो आगे जा रहा है या तो पीछे।
पीछे आ रहा है। अभी देखो बॉस, पहले मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम था, वो टाइम में मैं क्रिंज वगैरह कुछ भी डाल दूँ कुछ फ़ायदा नहीं लगता था, मतलब फ़ायदा क्या कुछ भी नहीं लगता था मेरे को। लेकिन आज मेरे पास 244 सब्सक्राइबर है। मैं हर बार मैं बोलता हूँ ये सब्सक्राइबर काउंट में बोलता हूँ, क्योंकि मैं हर बार एक ही चीज़ मैं बताऊँगा, जब मेरे पास एक सब्सक्राइबर था तब भी मेरे पास जो कीमती मतलब कीमती था वो मेरे लिए, आज भी जितना सब्सक्राइबर मेरे पास है वो भी मेरे लिए बहुत ही कीमती है। सो इसीलिए मैं हर टाइम कोशिश करूँगा कि उन लोगों को एंटरटेनमेंट करने का, कोई क्रिंज वीडियो नहीं देने का। भाई क्रिंज डाल के किसी से रोस्ट होना मैं नहीं चाहता भाई, जो भी होगा खुद के दम पे होगा, खुद के मेहनत से होगा, खुद का लगन से होगा। वैसे ये वाला ड्रेस पे मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा वाला कलर का और 3-4 ड्रेस मैं खरीद ही लूँ, क्योंकि मेरे को मतलब ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है फेस पे। ये वाला कलर से मेरा कॉन्ट्रास्ट मैच भी कर रहा है और लाइट का इफेक्ट भी सही से आ रहा है, मतलब ग्लो कर रहा है। और जब ग्लो करेगा ना, एक जन का फेस ग्लो करेगा तो उसका पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा आएगा, उसके साथ साथ उसका वीडियो भी अच्छा बनेगा और लोग भी अट्रैक्टिव होके वीडियो देखेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि महंगा कैमरा खरीद लो और कुछ भी कर लो लोग देखेगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा कंटेंट, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए व्लॉग में, तभी जाके लोग देखेगा, दो लोग देखेगा, दो लोग हंसेगा, या तो दो लोग कुछ सीखेगा वीडियो से, तभी जाके होगा, नहीं तो सभी तो गाली देके ही चला। भाई अपना हालत पूरा तगड़ा हो गया। मैं जब भी मेरे को लगता है थोड़ा सा लो फील करता हूँ, थोड़ा सा ये फील करता हूँ, आराम से कान में हेडफोन डालता हूँ, गाना चलाता हूँ, बेधड़क नाचता हूँ, बेधड़क मतलब कुछ ख्याल ही नहीं करता, कान में हेडफोन डालता हूँ, नाचने का अलग से मैं प्लेलिस्ट सेट करके रखा, धड़ाधड़ नाचता रहता हूँ। उसमें क्या होता है, थोड़ा कैलरी भी बर्न होता है, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और मतलब प्रेशर दूर हो जाता है। तो जस्ट मैं और पीयू बाहर से घूम के आया, पीयू को बाहर लेने के लिए गया था, मतलब ऑफिस से उसको लेने के लिए गया था। वो टाइम में अचानक हम लोगों का प्लान बना कि फुचका खाने जाने का, तो वहाँ से खाने के बाद फिर पार्क के सामने मीना पार्क गए थे, वहाँ पे हम लोगों का प्लान हुआ कि चलो बहुत दिन से हम लोग वॉक के लिए नहीं गए, आज एक वॉक कर लेते हैं। तो तगड़ा वॉक किया वहाँ पे, फिर अभी रिटर्न आके देखो वहाँ पे आटा फेल रहा है, और अभी मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, और अभी थोड़ी देर बाद रोटी वगैरह बनाना है, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बना के रेडी रखा है, सिर्फ रोटी बनाना है और दबा के खाना है। कल सुबह फिर से काम, बहुत दिन के बाद 3 दिन का छुट्टी हो गया, लॉन्ग छुट्टी हो गया 3 दिन का, अभी कल से फिर से काम है। कल सुबह 9 बजे से काम है, लेकिन पूरा दिन नहीं, 9 बजे से ही। एक चीज़ मैंने देखा है कि बहुत दिन जब छुट्टी रहता है, छुट्टी के बाद आप काम पे जाओगे ना, एक सुस्ती लगेगा, लेकिन छुट्टी के टाइम घर में रहोगे सुस्ती नहीं लगेगा। अभी ये जो कल से काम पे जाना होगा ना, कल भी हम लोगों ने रोटी खाया, लेकिन मेरे को याद ही नहीं कि कल हम लोगों के पास कितना रोटी बचा था हम लोग खाने के बाद, मैं और फिर खाने के बाद। सो एक्चुअली अभी जब मैंने चेक किया तो हमारे पास 7 रोटी बचा था, और यहाँ पे फिर वो ऑलरेडी आटा मतलब एक कर दिया था, वो मार दिया था करके, फिर बोला कि एटलीस्ट चलो 3-4 बना लो तुम, और बाकी का जो 7 है टोटल 11 रोटी हम लोगों ने बना लिया। 11 मतलब क्या, 7 कल का था और आज 4 बना लिया करके, अभी वो सब कुछ खा लेंगे, नहीं तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, स्मेल नहीं। सही बात बोलने से बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना के थोड़ा सा पुराना दिनों की तरह वाइब मिला है, क्योंकि इतना दिन से मैंने व्लॉग बना रहा था, डिलीट कर रहा था, वो एक वाइब नहीं मिल रहा था। मतलब मैं कोलकाता से आया, 2 महीना हो गया, लेकिन वो जो एक वाइब था, एक एनर्जी था उससे पहले व्लॉग बनाने का, वो एनर्जी कहाँ पे एक नेगेटिविटी में मतलब चेंज हो गया। सो व्लॉग बनाने का उतना खास मेरे को मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, मतलब नेगेटिविटी काम कर रहा था, अरे भाई क्या बोलेगा, कुछ होगा, ये होगा, जो मेरा एकदम से हट गया था। लेकिन फिर से ये वाला पेपर आया, जब मैं कोलकाता से आया था मैं बहुत सारा अखबार वहाँ से लेके आया था, मैं लेके आया था इसीलिए जब मैं यहाँ पे रोटी वगैरह बनाऊँगा तो यहाँ पे डाल के आराम से उसको बेल सकूँ, और जब भी आटा वगैरह बच जाएगा यहाँ पे तो उसको मैं आराम से इस बाल्टी के अंदर मैं डाल सकूँ। क्योंकि कल भी किया मैंने ये वाला, कल भी मैंने मेंटेन किया, कल से ही बेसिकली मेरे को ख्याल आया कि वो पेपर से मतलब अखबार लेके उससे मैं यहाँ पे उसके ऊपर कुछ डाल के फिर वो रोटी बेलूँ। लेकिन क्या हुआ, आज वो बेल ही नहीं पाया, मैं भूल ही गया, पूरा माइंड से पूरा हट ही गया। तो उसको मेरे को डेली रूटीन में उसको फॉलो करना पड़ेगा,
कि एक पेपर डाल के उसके ऊपर कुछ एक प्लेट वगैरह डाल के फिर रोटी बेलना, तो क्या होगा जितना भी एक्स्ट्रा जो आटा वगैरह बच जाएगा तो वो। सो ये वाला सब्जी मैंने बेसिकली कल बनाया था, अभी सेम इसको ही आज हम लोग रात को डिनर के लिए खाएंगे, तो इसको अभी फिलहाल मैं गर्म कर। एक चीज़ मेरे को जानना है, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में ऑब्वियसली बताना ये बात कि अगर कुछ चिकन का रेसिपी या तो अंडे का रेसिपी कुछ भी अगर बनाता, मतलब आप लोग बनाते हो या तो मैं बनाता हूँ, तो वो जिस दिन हम लोग बनाते हैं उस दिन उसका टेस्ट से ज़्यादा अगला दिन अगर उसको हम लोग पका के या तो गर्म करके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगेगा। ये किस लिए होता है ये मेरे को नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो अभी हम लोगों का डिनर हो रहा है, रोटी उसके साथ चिकन और एक अंडा। ये भी डिनर कर रहा है, मैं भी अभी अपना डिनर ख़त्म कर लेता हूँ, करके मस्त हो जाता हूँ क्योंकि कल फिर से काम है। सो यहाँ तक अगर ब्लॉग देख लिया तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल में अगर नए हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग।